अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप कार्स डॉकयार्ड देख रहे हैं, मेरा नाम सैयद शहाब शाह है। आज हमारा एनर्जी लेवल जो है वो हाई है। दिनों से मैं बिल्कुल डाउन था, वीडियो बनाने का दिल भी नहीं करता था, लेकिन ये है कि जो रूटीन है चल रही है उसको चलाना भी पड़ता है। डेली व्लॉगिंग जो है वो ज़रूरी भी है। आप लोगों से हमारे प्रोजेक्ट्स के मामला जो हैं वो सारे शेयर करने होते हैं। है कि कभी कभी ये हो जाता है कि यार बंदा डाउन हो जाता है। कल जैसे अब मैं आपको बताता हूँ कि कल हमारे साथ क्या हुआ है। परसों से हम VXR को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे जी, वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसकी टाइमिंग में थोड़ा सा मसला था, टाइमिंग का। हमने उसको इंजेक्टर तो थ्रॉटल और सारी चीज़ें हमें एरर जो है ना फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन एंड में एरर जो था फॉल्ट फाइंड हुआ है और कल हमने गाड़ी स्टार्ट की है। आज इंशाल्लाह आप लोगों से सेंट्रो प्लस अल्टो VXR दोनों की टेस्ट ड्राइव आप लोगों से शेयर करेंगे। और मैंने ऐनक लगाई हुई है आंखों की वजह से, क्योंकि फ़ोन का यूजेज मेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से प्रोटेक्शन ज़रूरी है। ये ना हो कि भाई अगले 4-5 साल बाद जो है ना नज़र ही चली जाए तो काम नहीं कर पाएंगे। तो अपनी जो सेहत है वो भी ज़रूरी है, उसका ख्याल रखना। आपने वीडियो को एंड देखना है। अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे हैं कि जो बगैर सब्सक्रिप्शन के वीडियो देखते हैं, उनको कंप्लीट जो सारी वीडियोस हैं वो नहीं मिलती। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हर एक वीडियो आप तक पहुंच सकेगी। दूसरा ये कि लाइक भी कर दिया करें यार, लाइक करेंगे वीडियो ऊपर जाएगी तो दिल भी करेगा ब्लॉगिंग का। ऐसे तो ये होता है कि यार मज़ा ही नहीं आ रहा काम का, ठीक है, क्योंकि ब्लॉग व्यूज़ जितने अच्छे आएंगे, मैं सोच ये रहूँ कि यार जितने बेहतर व्यूज़ आएंगे उतना बेहतर होगा और हम कोई नई चीज़ जो है ना एक्सपीरियंस करेंगे। कुछ वो कहते हैं ना डॉलर आए फ्री भी डॉलर आएंगे तो बात आगे बढ़ेगी। कोई ये भी चाह रहे हैं कि ये पाकिस्तान में मैच देखने बाहर नहीं नहीं वो नहीं करना, लेकिन ये कि हम चाह रहे हैं कि कोई चीज़ थोड़ा सा नई चीज़ जो है ना ट्राई करें FX पर ही। मेरा दिल है कि FX को बहुत इंजन जो है ना काफ़ी पुराना हो गया, अभी कोई और चीज़ उस पर ट्राई करते हैं, तो वो भी करना है। इसके अलावा ये है कि दोनों सेंट्रो की और जो VXR है उसकी टेस्ट ड्राइव भी शेयर करूंगा आप लोगों से, और सिविक जो फोर सेल है उसकी भी वीडियो आपको दिखाएंगे, कंडीशन उसकी दिखाएंगे, तो आप लोगों ने साथ रहना है। जी सेंट्रो के एक्सेल्स भी आ गए, वो भी लगा रहे हैं, और इसके अलावा जी रेडिएटर और सारी चीज़ें हो गई हैं। ये जो गाड़ी है ये भी माशाल्लाह से कम्प्लीट हो गई है, सिर्फ और एक ब्रैकेट जो है ना ब्रैकेट की वजह से रुकी है, ब्रैकेट बनाना है। शिफ्टिंग हमें जैक लगा के देखी है तो वो तो ठीक है, अभी रोड टेस्ट करेंगे रोड पे ही कैसी है वो देखनी है। इसमें एक और चीज़ ऐड अप हुई है जो कि इन्होंने कस्टमर ने बताया है, स्विफ्ट पावर स्टीयरिंग, ये स्विफ्ट स्टीयरिंग व्हील, तो वो चेंज करना है, वो देखेंगे वो लगाएंगे। पावर स्टीयरिंग तो अभी करना है तो ये होना है। सेंट्रो का ये है कि सेंट्रो की टेस्ट ड्राइव इंशाल्लाह अभी हम इंजन ऑयल गियर डाल के गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। बाकी लीवर की सेटिंग भी हो गई है, इसकी लीवर की सेटिंग आपको दिखाता हूँ, बहुत ही मज़े की हुई है जी। ये देखें ये हमने इसमें लगाया है ज़िगज़ैग, वो भी कस्टमर की फरमाइश पर। ये अभी इस असल में ये स्विफ्ट लॉक है, शिफ्ट लॉक जो है क्योंकि अभी पैडल लगना है वो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये देखें और ये पार्किंग, तो इसमें हमने ये चीज़ इंस्टॉल की है। इसमें इस वजह से ये चीज़ इंस्टॉल हुई है कि इसमें हमारे पास गैप था तार की जो सेटिंग थी, क्योंकि ये होता है कि VXR में ये चीज़ ये विड्स का जो है ये नहीं सेट हो सकता, उसकी वजह ये होती है कि तार लंबी पड़ जाती है हमें, लेकिन इसमें हमें ये था कि थोड़ा सा हमारे पास गैप था, हम इसको पीछे कर सकते थे, तो इसको हमने पीछे किया है लीवर को, तो तार की जो सेटिंग थी वो बेहतरीन बैठ गई है। सेंट्रो में ये चीज़ इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। VXR में ये है कि VXR में फिर हम अभी एक और ट्राई कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ज़िगज़ैग वाला है लेकिन ये स्विफ्ट वाला है, तो ये ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं अगर ये इस पर अच्छा रहा, क्योंकि सिर्फ लगाना नहीं होता, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, तो अभी ये देखते हैं, ये लगा के देखते हैं कि यार ये कैसा इस पर परफॉर्म करता है। तो अभी फ़िलहाल एक्सेल्स जो हैं वो इंस्टॉल हो रहे हैं, एक्सेल्स इंस्टॉल हो जाएँ, बन के आ चुके हैं, एक्सेल इंस्टॉल करके गाड़ी को स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह और रिस्पॉन्स देखते हैं इसका। तो मैं आप लोगों को क्यों ये कहता हूँ कि यार इन गाड़ियों पर टाइम लगता है, क्योंकि अब जैसे कल हमारे साथ ये हुआ है इस अल्टो VXR का, ये गाड़ी परसों रात को स्टार्ट हो जाती
लेकिन परसों पूरा दिन जो है ना दोपहर से लेके रात तक हम गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते रहें, चीज़ें देखते रहें, थ्रॉटल, इंजेक्टर्स, कॉयल, उसके बाद प्लग्स, ये सारी चीज़ें हमने बहुत दफ़ा चेंज की, कंप्यूटर चेंज किया हमने, हमें लगा शायद उसका मसला होगा, लेकिन हर एक चीज़ जो पल्स था, करंट था, सारी चीज़ें बिल्कुल बेहतरीन आ रही थी, लेकिन एंड में टाइमिंग का इशू निकल आया, वो फिर सॉर्ट आउट हुआ है कल और हमने गाड़ी स्टार्ट की है। कल का दिन हमारा पूरा ज़ाया हो गया था क्योंकि मैंने ये सोचा हुआ था कि सेंट्रो प्लस जो VXR है ये कल ही हम इसको वाइंड अप करते, ये गाड़ियाँ निकलती हैं, इसमें जो छोटे मोटे बाकी सारे काम बाहर के होने वाले थे वो हम करते और गाड़ियाँ डिलीवर कर देते। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि यार चीज़ें उस तरह से नहीं हो पाती जिस तरह से आपने सोची हुई होती हैं, तो डिलेज आ जाते हैं। इसके अलावा आपको दिखाते हैं सेंट्रो का, इसको भी इंशाल्लाह जो है ना सून हम रेडी कर देंगे गाड़ी को। काम हो रहा है इसमें, जो बॉडी का है पेंट का वो हो रहा है, इस तरफ ये एक जूक आई हुई है हमारे पास, ये भी मैंने आपको कल वीडियो में दिखाई थी, जो कि बम्पर्स इसके पेंट हो रहे हैं, और बाकी ये है कि इंशाल्लाह ये आज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हमने अल्टो में इंजन इंस्टॉल करना है, इसमें भी इंजन हम 1000 cc का डालेंगे, तो उसके लिए फ्रंट का पेंट होना लाजमी है, वो हम डालें इंशाल्लाह, फिर वो जो प्रोजेक्ट है हमारा वो बड़ा बेहतरीन होने वाला है, वो भी आप लोगों को साथ साथ मैं अपडेट देता जाऊंगा और बताता जाऊंगा। ये जो प्रोजेक्ट है ये भी इंशाल्लाह जल्द अज जल्द कंप्लीट हो जाएगा। फाइनली एक्सेल्स इंस्टॉल हो गए और अभी हम इसमें पानी शानी ऑयल सारा कुछ पूरा करके इंशाल्लाह बैटरी लगा के गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है, और पानी ये सारा चीज़ें इसकी इंजन की पूरी कर रहे हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं। तो जी फाइनली चीज़ें पूरी हो गई हैं सेंट्रो की और अभी हमने गाड़ी स्टार्ट करनी है। गाड़ी हमारी सेंट्रो स्टार्ट हो गई है और अभी हमने इसको छोटी मोटी चीज़ें बस वो पूरी कर रहे हैं, ब्रेक सर्वे के पाइप, और इसके अलावा जो पैडल है वो भी इसको लगाना है ब्रेक वाला, तो फिर उसके बाद गाड़ी की हम ट्राई लेते हैं। और कंसोल का ये है कि कंसोल इसको हमने ज़िगज़ैग लगाया, तो ये जो इसका ओरिजिनल कंसोल है इसी को जो है सेट करेंगे, क्योंकि इसमें कप होल्डर्स भी हैं और ये पूरा है, तो इसी को जो है ना इस जो शिफ्टर है इसके लिहाज से इसको सेट करेंगे। एक और चीज़ जो इसमें अच्छी आई है वो ये आई है कि इसकी जो कंप्यूटर है वो इधर अंदर आ गया है, क्योंकि इसकी वायरिंग बॉडी की बड़ी थी। VXR में ये होता है कि हमें अंदर इंजन बे वाली जगह पर हमें लगाना पड़ता है कंप्यूटर, और लेकिन ये है कि सेंट्रो की जो अपनी वायरिंग है वो थोड़ी सी लंबी थी, तो इस वजह से हम इसको अंदर रूम में ही ले आए हैं। तो बस अभी इसको बॉनट शॉनट ये सारी चीज़ें लगाते हैं गाड़ी को, फिर निकालते हैं, इसकी ट्राई भी लेते हैं और आप लोगों को भी अपडेट देते हैं फिर।
गाड़ी को रिवर्स कर रहे हैं, ये चढ़ाई है, इस पर भी गाड़ी की टेस्टिंग कर रहे हैं। सबसे जो मेन कंसर्न था मेरा गाड़ी की पिक का, तो पिक का माशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन है और गाड़ी हमने टेस्ट भी की है थोड़ी सी चढ़ाई पे, और मज़ीद जो है ना अभी साइलेंसर गाड़ी का होगा तो मज़ीद बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह गाड़ी की पिक, और मज़ीद जो है वो इम्प्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह। तो अभी ये है कि गाड़ी हमने भेजनी है एसी के लिए, एसी होगा गाड़ी का, और इसके अलावा जो है साइलेंसर का काम होगा तो वो हो के इंशाल्लाह बम्पर शम्पर लगाएंगे, इसकी कंपाउंड कटिंग पॉलिश ये सारी चीज़ें छोटी मोटी करेंगे, पेंट का काम है वो होना है, ये सारी चीज़ें होनी है गाड़ी की, तो इंशाल्लाह गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी, और जब कंप्लीट होगी तो दोबारा इंशाल्लाह आप लोगों से एक गाड़ी की जो टेस्ट ड्राइव होगी वो आप लोगों से भी शेयर करेंगे। और इसके अलावा अभी हमने ये गाड़ी भी निकालनी है, ये भी कम्प्लीट हो गई है, सो इसका हमने लगा दिया है ब्रैकेट और ये सारी चीज़ें, अभी इसको भी कवर करके इंशाल्लाह इसको भी स्टार्ट करके इसकी भी हमने ट्राई लेनी है गाड़ी की, ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कल के ब्लॉग में। और बाकी इसके अलावा ज्यूक जो है वो पेंट हो गई है, उसके बम्पर शम्पर पेंट हो गए हैं, नीचे बॉडी किट्स वगैरह वो भी पेंट हो गई हैं। तो उन्होंने देखा सेंट्रो की टेस्ट ड्राइव भी आप लोगों ने देखी, और फरीद ने टेस्ट ड्राइव ली थी, इससे पूछते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा 1000 cc और 660 जो ड्यूल कैम हमने डाला है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा बताएं। अच्छा एक्सपीरियंस था, 1000 थोड़ी सी पावरफुल है, ये भी मतलब अंडर पावर कहीं से भी नहीं, मतलब 80-100 सुकून से गाड़ी जा रही थी। और शुरू में जो पिक है, जो पिक है, जैसे ये हुआ कि मैं भी दूसरी गाड़ी में भी 660 डाल लेते, लेकिन ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर रही है। असल में वो जो गाड़ी है वो इनके जो सेंट्रो है वो इनके मामू की गाड़ी है, तो वो जो इनके जो है कजन्स हैं तो वो थोड़ा चाह रहे थे कि बड़ा इंजन हो। ये जो मैंने आपको बताया था कि यार ये जो इंजन है ये हमने बेसिकली जिस कस्टमर को डाल के देना था वो चाह रहे थे कि यार एवरेज भी जो है ना गाड़ी की ज़्यादा बेहतर हो, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि इसका टॉर्क और हॉर्स पावर जो है K10 के जो है वो मिलता जुलता है इन दोनों का, ठीक है, और इसी वजह से फिर मैंने ये इंजन जो है वो सेलेक्ट किया ड्यूल कैम वाला, कि यार ये मॉडल एक तो कस्टमर को चाहिए था मॉडल ऊपर मॉडल वाला, दूसरा ये था कि एवरेज जो है वो ज़्यादा बेहतर चाहिए थी, तो इस वजह से हमने ये इंजन इंस्टॉल किया है। बाकी इंशाल्लाह अभी साइलेंसर होगा गाड़ी का, तो मज़ीद भी जो है ना इंशाल्लाह मैं आप लोगों से टेस्ट ड्राइव, ये तो फरीद ने कस्टमर को दिखाने के लिए एक टेस्ट ड्राइव की वीडियो बनाई थी, मैं इसको बोल नहीं सका, लेकिन ये वही मैंने डाल दी वीडियो जो है वीडियो इसमें ही व्लॉग में डाल दी। बहरहाल इंशाल्लाह आप लोगों से मज़ीद भी मैं शेयर करूँगा इस गाड़ी के मुतालिक, जो वीडियो व्लॉग्स होंगे वो शेयर करेंगे आप लोगों से, 2-3 दिन अभी गाड़ी इधर हमारे पास होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मिलते हैं कल इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।